आपका दोबारा द फैंटेसी क्रिकेट शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान पे। मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ फिर से आ गई है मेरी दोस्त आस्था। एक और टीम बनाने आ गए हैं, पर उससे पहले थोड़े प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बात कर ली जाए। पिछला मैच हुआ है अपना पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का और कैप्टन हमने डेविड वार्नर को बनाया था। 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स हमारे आए हैं। उससे पिछले मैच में विराट कोहली हमारे कैप्टन, शुभमन गिल हमारे वाइस कैप्टन, और आपको पता ही है उस मैच में क्या हुआ है। अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई, तो मेरा तो लॉस नहीं है ना, इनका लॉस है। हमारी तो जेबें भर रही हैं पैसों से, तुम्हारी नहीं भर रही। तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो पॉइंट्स अगर हमारे देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे सीजी फैंटेसी शो के नाम से हमारा अकाउंट है, वहाँ हमें फॉलो भी कर लो। आज की टीम देखना कितनी प्यारी टीम बनाई है, आस्था के साथ मिलकर बनाई है। हालांकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ खास है नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो आप एक बार टीम देखना, पर उससे पहले थोड़ी मैच से जुड़ी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मैच होने वाला धर्मशाला में, आस्था पिच के बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल अर्पित, तो जो मैच है वो धर्मशाला के HPCA के मैदान पे होने वाला है, जहाँ पे ये माना जा रहा है कि जो पिच है वो फ्लैट पिच है, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है। और अभी तक के हमने जितने भी पिचेस देखे वहाँ यही देखा गया है कि फर्स्ट इनिंग्स में जो है ना वो पेसर्स बहुत ज़्यादा रोल में रहने वाले हैं, और जैसी सेकेंड इनिंग्स आएंगी वहाँ टेबल टर्न होकर स्पिनर्स एक्शन में आने वाले हैं। तो ये इस पिच पे भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। गाइस, स्पिनर्स और पेसर्स एक्शन में तो आएंगे, पर उससे पहले मेरे ख्याल से बारिश भी आने वाली है। आसार है ना बारिश के? बिल्कुल, बहुत मतलब आसार है अर्पित। इतना बड़ा मेगा मैच है, इतना बड़ा महामुकाबला है यहाँ पे, जो लग रहा है कि शायद बारिश की वजह से धुल सकता है, क्योंकि आज का हमने टेम्परेचर देखा तो वहाँ बारिश नहीं थी। बट जो कल है जब मैच खेला जाने वाला है, वहाँ पर 20% चांस है रेन के, और जो आपका टेम्परेचर है वो भी थोड़ा 16 डिग्री टू 18 डिग्री के बीच में है, और उसके बाद अगर हम वो देखें ह्यूमिडिटी तो वो 60% है। बिल्कुल गाइस, फोरकास्ट 20% का है, पर होपफुली ये मैच हमें पूरा देखने को मिलेगा। थोड़ी सी बात प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की कर लेते हैं दोनों टीम्स की। इंडिया की बात करें तो एक बड़ा झटका देखने को मिला है, हार्दिक पांड्या पिछले मैच में इंजर्ड हो गए, तो उनकी जगह कौन आएगा और क्या चेंजेस हो सकते हैं? आस्था, इंडिया के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है? बिल्कुल, देखिए अर्पित, हमें पता है पिछले ही मैच में हार्दिक जो है वो इंजर्ड हो गए थे, तो टीम उन्हें एज एन ऑलराउंडर देखती है, एक परफेक्ट ऑलराउंडर। तो अगर हार्दिक जाते हैं तो एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज, मतलब दो लोगों को टीम में घुसाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि शायद शार्दुल ठाकुर की जगह पे ना मोहम्मद शमी आए, और हार्दिक पांड्या की जगह आए सूर्य कुमार यादव। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात कर लूँ ना, तो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके की है, जिसमें सबसे पहले हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो ये गाइस, आस्था ने आपको इंडिया की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बता दिया। न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं, केन विलियमसन पर अभी तक कोई खबर नहीं आई है। केन विलियमसन की वापसी में मेरे ख्याल से रेस्टेड ही रहेंगे। एक बार प्रेडिक्टेड 11 इनकी पूरी की पूरी देख लेते हैं। यहाँ पर डेविन कॉनवे और विल यंग ओपन करते हुए नजर आएंगे, रचिन रविंद्र हैं, टॉम लेथम, डैरल मिचेल, फिर ग्लेन फिलिप्स हैं, मार्क चैपमैन, मिचेल सैडनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्गसन और ट्रेंट बोल्ट। तो गाइस, एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस जीते हैं, टेबल के टॉप पे। मेरे ख्याल से भाई वर्ल्ड कप का सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित शर्मा। क्या क्या स्टैट्स हैं, उन स्टैट्स के अकॉर्डिंग भी हमने टीम बनाई है। एक बार हम हमारी फैंटेसी की टीम भी देख लेते हैं किस तरीके की है। आइए चलते हैं। गाइस, हर बार टीम बनाने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें डायरेक्टली टीम देते हैं, बना के देते हैं। पर आज हमने सोचा है कि हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको हम यहाँ बुला ही लेते हैं, और उनकी हेल्प के थ्रू हम पूरी टीम आपको दिखाते हैं किस तरीके की टीम बनेगी। और एक बार मैं आपको मिला ही देता हूँ हमारे एक्सपर्ट से, जो पूरी टीम हमें बना के देते हैं, मिस्टर नमन ओझा सर। सर, थैंक यू सो मच सर, वो कमी है। वेलकम टू द CG फैंटेसी शो। आज सर थोड़ी सी हमारे साथ हेल्प करना टीम बनाने में, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के मैच की। सर, पहला प्लेयर मैं उठा लेता हूँ। पहला प्लेयर गाइस, हमने इस टीम में मैट हेनरी को रखा है। ऑब्वियसली मैट हेनरी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस टूर्नामेंट में, सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर है न्यूजीलैंड के लिए। और विंडी कंडीशन है, धर्मशाला में मैच है, पेसर्स को असिस्टेंस है, तो मैट हेनरी आप अपनी टीम में ज़रूर रखिए। सर, नेक्स्ट प्लेयर हमारे कौन से रहेंगे? नेक्स्ट प्लेयर मोहम्मद सिराज। बिल्कुल सर, मोहम्मद सिराज एनी रीजंस क्यों रखा है हमने? मोहम्मद सिराज एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, और आई थिंक पिछले एक दो मैचेस में उनको विकेट मिली नहीं है, तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल ऑल आउट जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल, और कंडीशन ऐसी है कि उनको विकेट मिलने के पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल सर, हमारे थर्ड प्लेयर कौन से होंगे? जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल सर, अगर जसप्रीत बुमराह की बात कर लें तो जसप्रीत बुमराह हमारे इस टीम के
वाइस कैप्टन भी हैं, हमने इनको वाइस कैप्टन बनाया है और ऑब्वियस रीजंस है सर कि सीमिंग कंडीशंस है, विंडी कंडीशंस है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं इस वर्ल्ड कप में और सीमर्स को हेल्प भी मिल रही है, तो जसप्रीत बुमराह एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर जरूर रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि 11 विकेट्स ले चुके हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, जो कि एक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विकेट्स हैं किसी भी बॉलर के लिए। सर नेक्स्ट आप कौन सा प्लेयर लेना चाहेंगे? ट्रेंट बिल्कुल ट्रेंट बोल्ट लिया है सर ने। सर मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम न्यूजीलैंड है और बुमराह के बाद यही आ रहे हैं, एनी स्पेसिफिक रीजन फ्रॉम योर साइड? अच्छा, बॉल शेप होता है उनका, बॉल स्विंग होता है, कंडीशन ऐसी है कि जो सीमर्स को काफी असिस्ट करेगी, तो मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट। बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल भी बहुत ज्यादा खेले हैं इंडिया में, सर इंडिया के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं, जो रिकॉर्ड है इनका स्टार्टिंग के अर्ली ओवर्स में परेशान भी कर सकते हैं। सर हमारे नेक्स्ट प्लेयर कौन रहेंगे? नेक्स्ट मैच मुझे लगता है कि केएल राहुल। बिल्कुल, केएल राहुल भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है सर। बिल्कुल, चाहे कैच हो चाहे रन, दोनों ही साइड से। पिछले मैच में भी आपने देखा ही होगा, केएल राहुल जब विराट कोहली के साथ आए, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और उन्हीं के थ्रू हमारी टीम जीती भी और अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अगली पिक हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू केएल राहुल। नेक्स्ट विराट कोहली। बिल्कुल, विराट कोहली, और विराट कोहली सर हमने इस टीम में कैप्टन भी बनाए हैं। बिल्कुल, फैंटेसी की टीम के, और सर कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि विराट कोहली कैप्टन क्यों है। नो कंफ्यूजन व्हाटसएप, पिछले मैच में सेंचुरी बनाई है और लगातार रन्स बना रहे हैं। टॉम लेथम। नेक्स्ट हमारे टॉम लेथम रहेंगे इस मैच में। सर आपको पता ही है, सेंचुरी देख रहे हैं आप इस मैच में? मैं ये देख रहा हूँ कि रन बनाते हुए देख रहा हूँ उनको, मैं सेंचुरी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं उन्हें रन बनाते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा खेलते हैं, जो कंडीशन है वो टॉम लेथम को सूट करेगी। बिल्कुल, तो नेक्स्ट प्लेयर हमारे सर के लिए टॉम लेथम रहेंगे और उसके बाद पिक करें हैं रविंद्र जडेजा। सर इनके लिए दो शब्द सर, परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस वाइज तो धूम मचा रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, मतलब साथ ही साथ फील्डिंग है, फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है, आपको कहीं से भी मैच जिता के ले आएंगे। अगर मैच अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि किसी भी सिचुएशन में बैटिंग हो चाहे फील्डिंग हो चाहे बॉलिंग हो, एनी सिचुएशन से आपको मैच में लेके आ जाते हैं, तो इस तरीके के ये है, तो ये आपकी टीम में होना ही होना चाहिए। बिल्कुल सर। नेक्स्ट प्लेयर सर हमारे डेविन कॉनवे रहेंगे। सर जितनी अच्छी फॉर्म में विराट कोहली है, उतनी अच्छी फॉर्म में डेविन कॉनवे भी है, टूर्नामेंट में लगातार रन बना रहे हैं। हाँ, और उसी वजह से मेरे ख्याल से ओपन भी करते हैं, शायद इसीलिए ओपन भी करते हैं, और हालांकि मुश्किल है रन बनाना, पर फिर भी मैं रखूंगा इनको, क्योंकि इन्होंने, क्योंकि जो पास्ट परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, हालांकि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन 254 रन हैं उनके अभी तक विश्व कप में, जो कि टॉप लीडिंग स्कोरर भी हैं, तो इसीलिए आप डेविन कॉनवे को जरूर रखें, और सर ने भी कहा है तो। बिल्कुल सर, हमारी अगली पिक होगी रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा के लिए भी सर कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, वर्ल्ड कप और रोहित शर्मा इज जस्ट सिनोनिमस। बिल्कुल, वो दोनों टुगेदर हैं। बिल्कुल, हाँ करेक्ट। तो गाइस अगला प्लेयर रोहित शर्मा, उसके बाद जो लास्ट प्लेयर आ जाते हैं जो हमारे सर ने पिक करे हैं वो हैं मिचेल सैंटनर, और ये न्यूजीलैंड के लिए इस समय हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस वर्ल्ड कप में, बढ़िया बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं सर इसमें हर मैच में। बिल्कुल, क्योंकि ये बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं बेसिकली, इनका इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके पास तीन सीमर है, तो इनको लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग करानी ही करानी पड़ेगी, और लेफ्ट आर्म सीमर जब भी आएंगे तो वो विकेट टेकिंग होते हैं, और प्लस बैटिंग के अंदर भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, लास्ट गेम के अंदर भी डच टीम के सामने 37 बनाए थे उन्होंने 17 बॉलों में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भी एक 3-डायमेंशन प्लेयर हैं ये भी। बिल्कुल, तो इसलिए सैंडर भी हमारी टीम में ज़रूर होने चाहिए। एक बार नमन ओझा सर की फैंटेसी 11 पूरी देख लेते हैं। कैप्टन सर ने विराट कोहली को बनाया है इस मैच में, और वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह रहेंगे, उसके बाद रोहित शर्मा आ जाते हैं, मिचेल सैंडनर हैं, टॉम लेथम, डेविन कॉनवे, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, मैट हेनरी, मोहम्मद शमी और ट्रेंट बोल्ट। तो गाइस ये थी हमारी फैंटेसी 11 इस मैच की, ऐसी हर मैच की हमारे एक्सपर्ट के थ्रू फैंटेसी 11 हम आपको देते रहते हैं, और हमारे सीजी फैंटेसी शो पे यूट्यूब पे हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे भी सीजी फैंटेसी शो के नाम से हमारा अकाउंट है, वहाँ हमारे आप पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, वहाँ ज़रूर हमें फॉलो कीजिए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।